भोजपुरी में लिख दिए, किंग लिख भी जवन देले बा पिया फेक्स। बहुत ही आसान है, सुन लो भाग। अब तक किए थे लेकिन ये भाग में जरा अलग भाग है। भागों में कौन सी भाग है? ये अलग भाग है। अब तक हम लोगों ने भाग के बाबू यहाँ पे समझ ले, पहले कुछ समझाना चाहते हैं। ये 17 है, 17 का भाग लगा दिया हम 3 से। कैसे? 3 से। तो इसको इसके भाषा में क्या बोलेंगे? जी एफ एक्स। क्या बोलेंगे? जी एफ एक्स। इसको क्या बोलेंगे? पी एफ एक्स। सुनिए, 17 का 3 है, 3 का पड़ा कई बार पढ़ेंगे कि 17 आएगा, कई बार पढ़ेंगे कहियो नहीं आएगा। रूल हम ये सीखें कि वैसा भाग करिए कि जो इससे छोटा हो जाए। तो सुनिए, 5 तिया के कै गो? 15 को यहाँ पे लिख दिए, 15 कै गो से? इसको कहेंगे किस नाम से जाना जाएगा? तो ये जाना जाएगा कि आप एक्स से। और यही तुम्हारा क्या रिमाइंडर ना छोटा हो गया ना? अरे सुनो, 2 का है सेसफल हो गया, इससे छोटा हो गया। आ छोटा हम का बोलते? आर एफ एक्स। सुनिए, यह तो है, ये भाग हम लोग सीखे हैं। अरे जो बोलिए ना, सीखे हैं। ये यो है, एक भाग को डीप में हम लोग सीख लेंगे ना, पूरा एक्सरसाइज धुआं धुआं हो जाए। इसको कहते हैं अलजेब्रा का भाग। कौन सा भाग? अलजेब्रा का भाग। अब तक हम लोग डिजिट वाला, संख्या वाला भाग किए थे, आज चल अलजेब्रा माने सब गधा। अब देखना ये है कि तुम लोग गधा है कि बढ़िया। सुनिए, जितना बोले उतना ही सुनिएगा, ज्यादा सुनिएगा हमारा कुछ नहीं बिगड़ पाइए। नाम मुस्कान रख लो, हमसे मुस्कुराते रहेगी। चल इस पे ध्यान दे, हटा ध्यान तो देख डंडा सटा देंगे। बातें कोई ना रखा उनकी। अब चलिए भाग करते हैं। तो हमने क्या बोला? ये है हमारा पी एफ एक्स, मैंने इसी को भाग लगाना है। एक्स क्यों दिए हैं? माइनस का 3x² प्लस का 5x माइनस का 3 ऐसे दे दिए। भागे वाला रूल ना है, यहाँ लेके आइए इसको। कौन? जी एफ एक्स। एक्स स्क्वायर माइनस 2। समझे? सटा दिए इसको ना। यहाँ पे जो आएगा उसको बोलेंगे क्यू एफ एक्स, और जो शेष पल आएगा उसको बोलेंगे आर एफ एक्स। चलिए, और इसको हमको किसके रूप में लिखना है? अभी किसको कैसे लिखना है बात बुझाया? ये है हमारा पी एफ एक्स, ये हमारा जी एफ एक्स, ये हमारा क्यू एफ एक्स, मैंने जो यहाँ पे आएगा भाग फल आर एफ एक्स शेष फल। ये हमको निकालना है शेष फल। क्या निकालना है सवाल में? भाग करने तो आपके 17 में 3 से करके दिखाए थे, उसमें हमारा क्या भाग फल मिला था कि नहीं मिला था? अरे 5 × 15 5 का था भाग फल ना। और जो 2 मिला था वो कौन था? इसमें तो 2 आने का कोई लॉजिक नहीं, लेकिन संख्या है, ऐसा भाग हम लोग नहीं सीखे। तो देखिए, इसका पहल का पद देखिए और इसका पहल का पद देखिए, दोनों का घात मिला, ये बरोबर है। ये गो ज्यादा है, ये गो कम है। इसका घात 3 है, इसका घात 2 है। तो हम इसमें किस से गुणा करें? इसके जितना हो, एक गो एक्स से, कहे कि 2 × x तो है, 3 × x है, 1 × x से गुणा करेंगे तो इसके जितना हो जाएगा। बाकी कुछ नहीं देखना है, समझे? बाकी कुछ दिख भी रहा है तो नहीं देखना है। गांधी जी ने क्या कहा था? बुरा मत करो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। ये गणित भी कहता है, क्या कहता है? जितना दिखाया जाए एक के को देखिए, ज्यादा इधर मत देखिए, ज्यादा देखिएगा आपको अनरिया जाए। एक गो एक सी ऐसा करो, करना ना गुणा। एक गो एक सी यहाँ पे लिख दिए, एक गो एक्स से एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे, क्यों हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सुनिए, हाय देखिए, तो खाली ये थोड़े माइनस माइनस टू बोल, टू नहीं है, माइनस टू है। हमको एक्स से माइनस टू के साथ भी गुणा करना होगा, तो क्या होगा? माइनस टू एक्स। इधर देखिए, इसके जाति का कौन है? अजय, यहाँ काहे नहीं लिखेंगे? एक्स का घात 2 है, ये तो रैखिक में आ रहा था, रैखिक को रैखिक से मिलाएंगे, मैच करा दिए, तो क्या होगा? माइनस का एक्स, लाइन ऐसे खींच देंगे। एक रूल है सादा बार बी को पर्पस रूल, सुनिए, ये प्लस में है कि माइनस में? तो इसको सही कर दीजिए माइनस। ये प्लस में है कि माइनस में? तो इसको भी बदल दीजिए। देखा,
जो प्लस में था वो माइनस, और जो माइनस में है वो प्लस, बाकी किसी को कोई छेड़खानी नहीं। तो सुनिए, ये तो दोनों बर्बाद हो गया, इसका कुछ बिगाड़े नहीं, तो जैसा वैसे छाप दीजिए, माइनस का थ्री हाइयो प्लस, हाइयो प्लस पांच को दुगो एक्स, इसका तो कुछ बिगाड़े हैं, छाप दिए। आप सुनिए, ई का है, आई का है, बनाना इसके जैसे, तो एक्स का घात तो बरोबर है, इसके पास तीन है, इसके पास नहीं है, इसके पास माइनस है, इसके पास नहीं है, ना बुझेंगे ना सूझेंगे, ओनली माइनस के थ्री से गुर्रा कर देंगे, क्या कर देंगे गुर्रा, किधर इधर, माइनस तीन का गुर्रा इधर करेगा तो क्या होगा, माइनस थ्री, ऐसे भी करना पड़ेगा ना, माइनस और माइनस लड़ के हो जाएगा, पुष्पा का डायलॉग मत मारना, मैं लिखेगा नहीं, नहीं तो मैं भी चुकेगा नहीं, डंडा जरूर मारेगा। अब चलिए ध्यान दीजिए, माइनस का गुणा माइनस के साथ प्लस, ये जाती से नया तीन दुना, बाकी बीच में कोई छेड़खानी नहीं, जाति को जाति से मिलाना सीखिए, जाति को जाति से मिलाना सीखिए, पहले दूसरा स्टेप इसका यही है, जाति को जाति से मिलाना, इसके पास एक्स नहीं था, इसके पास भी तो नहीं है, हम इसके नीचे लिखे हैं ताकि काटने में हमको मजा आए, उल्टा मजा लीजिएगा तो गड़बड़ा जाएगा, कारण की हम झुकेगा नहीं, लिखेगा तो हम झुकेगा नहीं, लिखने का नहीं है अभी, बाद में लिखना, पहले समझ, ओए हमने क्या बोला, हम जब गुणा कर लेंगे नीचे लिख देंगे तो साइन चेंज करना है, माइनस नीचे दिख रहा है कि प्लस, लिखेंगे यहाँ पे प्लस, ये प्लस दिख रहा है कि माइनस, लिखेंगे यहाँ पे माइनस, बन गया। भाई दोनों एक जैसे ना, एक प्लस में एक माइनस में, हो गया बर्बाद, खत्म हो गया, आई देख, सात एक्स माइनस तीन माइनस छ, छोगो तीन को जुटेगा, लेकिन सेनुआ अपना लेगा। आप सुनिए, आई एक्स का घात कितना है, यहाँ पे एक्स का घात कितना है, माने है बबुआ बड़ा का, ऐसे हो गए छोटा, तो ये है हमारा आर एफ एक्स, जिसको बोलते हैं शेष फल, क्या बोलते हैं, सुनिए अभी सवाल, ये सवाल अलजेब्रा, क्या बोला अभी कुछ देर पहले, अलजेब्रा का भाग, सबको गधा बनाएगा लेकिन तुमको नहीं बनाएगा, बुझिए कैसे, ये दिया है हमारा पी एफ एक्स, ये दिया है हमारा जी एफ एक्स, हमको निकलना है क्यू एफ एक्स जो कि तुम्हारा ये है, हमको निकलना आर एफ एक्स जो कि तुम्हारा, थोड़ा सा भाषा इसमें प्रयोग कर देना, क्या प्रयोग करना है, भाषा, कौन सा भाषा, गणित, भोजपुरी में लिख दिए, किंग लिख दे, जवन दिले बा पी एफ एक्स पिया है, पी एफ फलाना ठेकाना चिलाना माने ही छापिएगा यहाँ पे, समझे, हाँ जी, का भाग फल, भाग फल, फल तो ये ना मिला है हमको, पुत्र की प्राप्ति हुई है x माइनस तीन, जिसका शेष फल, शेष फल मतलब पुत्री की प्राप्ति हुई है यहाँ पे, शेष फल कौन है, सेवन एक्स माइनस नाइन। अच्छा सुनिए, किसी किसी के दिमाग में यहाँ पे आ रहा होगा, वैसे सबकी तो नहीं, किसी किसी की हम बोल रहे हैं, तुम लोग के मन में होगा कि सर या तो आप मेड मैन है, नहीं तो हम लोग को मेड मैन बनाना चाहता है, मेड मैन मतलब पगला, यहाँ पे दो गो है तो मैंने यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिखाई दे रहा, जबकि यहाँ पे तू सात और नौ तुमको दोनों दिखता, तो छोटा कैसे हो गया, बाबू एक बात बता देने, स्क्वायर सबका पप्पा होता है, यस सर जी, क्या होता है पप्पा, पप्पा
पप्पा ध्यान देना, अगर साते का स्क्वायर करेगा तो 49 न हो जाएगा जी। सुनिएगा, घात से हमको मतलब है, किससे मतलब है? घात से मतलब रखना, घात छोटा तो वो छोटा, घात इसका दू इसका एक, माने ये पप्पा ये बेटा, तो पप्पा पप्पा होता है बेटा।